स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। शाम 7 बजे से बताया जा रहा है कि अस्थाई राम मंदिर में दर्शन बंद हो जाएंगे, भगवान का केसर घी में निवास कराया जाएगा और उसके बाद श्री रामलला कल सिंहासन पर विराजमान होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज अस्थाई तौर पर दर्शन बंद हो जाएंगे शाम से, और जानकारी यह है कि भगवान का केसर घी में निवास कराया जाएगा ताकि उसके बाद उनको बाहर निकाला जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये प्रक्रिया की जाती है। तो गुप्तार घाट की एक अनोखी कहानी आपको बताएंगे। भगवान श्री राम का महापर्व है और यहीं पर उन्होंने, बताया जा रहा है, कि जल समाधि ली थी। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। प्रभु श्री राम की जीवनी के बारे में भला कौन नहीं जानता है। अयोध्या वो जगह जहां पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। त्रेता युग में जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने पूरे कामों को पूरा किया, जहां पर उनका विवाह भी माता जानकी से हुआ और इसके बाद वनवास का भी उन्हें निश्चित तौर पर पहुंचना पड़ा, वहां पर जहां पर उन्होंने रावण का वध भी किया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि त्रेता युग में आखिर भगवान श्री राम कहां चले गए? तो आज के अपने इस कहानी में हम आपको यही बताने वाले हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम कहां चले गए। ये जगह जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, गुप्तार घाट, सरयू की ये नदी आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, बेहद अद्भुत ये नजारा। ये वही जगह है जहां पर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली। ज्यादा जानेंगे, हमारे साथ पंडित जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मैं बाबा भीमदास, हमारी जन्मभूमि भी यही है और कर्मभूमि भी है, मेरा सौभाग्य है। और ये स्थान ऐसा स्थान है कि पूरे परिकर के साथ राम जी यहीं अपनी जल समाधि लिए। जल समाधि लेना हुआ तो यमराज उनके पास आए, कहा प्रभु चलने का समय हो गया है, मैं कांप रहा हूं, आपने मुझको निश्चित किया है कि आप सबको ले जाएंगे, इसलिए मैं आया हूं, मेरी हिम्मत पड़ नहीं रही थी, मैं थर्रा रहा था। तो थर्राने पर यह हुआ, थर्राने माने हुआ कि कांपना, जब वो कांप रहे थे तो इसी से मिला हुआ यमथरा घाट है। यम जो थर्राए वही घाट है यमथरा घाट। प्रभु ने सबको यहीं से विदा किया और साथ ले चलने का संकल्प लिया, यहीं जल समाधि ली। उसके बाद हुआ क्या, हनुमान जी को यहीं से विदा किया कि आप अयोध्या का राज आज से संभालेंगे और पूरी अयोध्या की देखभाल आपके निरीक्षण में होगी, आपकी निगरानी में होगी। प्रभु श्री राम को जल समाधि क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि वो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश, संदेश देने की कोशिश कि इस धरती पर जो कोई भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना जरूर है, जिसका अनुसरण भगवान प्रभु श्री राम ने भी किया? उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति है, प्रकृति को मैंने ही बनाया है, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। वो इंटरफेयर इसलिए नहीं करता, जो आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर। इस मर्यादा को रखने के लिए प्रभु श्री राम को जल समाधि लेनी पड़ी। जब उन्होंने जल समाधि ली तो कहा जा रहा है कि पूरी प्रजा उनके साथ जाने को तैयार थी और सभी के आंखों में आंसू था, खुद प्रभु श्री राम के भी आंखों में उनकी भक्ति देखकर। उसके बाद क्या हुआ, क्या वो भी सभी प्रभु श्री राम के साथ यहाँ पर आए थे? हाँ, प्रभु श्री राम के साथ पूरी परिकर यहाँ गुप्तार घाट पर आई और राम जी ने देखा। कुछ लोगों को कहा सदा रहो पुर आवत जाता, मैं विदा नहीं कर रहा हूँ, ये अयोध्या है, अयोध्या आप आते जाते रहिए और जो अयोध्या आता जाता रहेगा उसके ऊपर मेरी असीम अनुकंपा बरसेगी। जैसे भगवान भूत भवन भोलेनाथ ने कहा है कि अवधपुरी सम नहीं सो, यह प्रसंग जाने को अपने अपने मत के अनुसार लोग अर्थ बताते हैं कि हे देवी ये अयोध्या है, अयोध्या करके जो विश्राम कर लेता सो जाता है उसको बड़े बड़े यज्ञाचार और संत नहीं पाते हैं। इस प्रसंग को मैं आपको बताना चाहता हूँ। देवी ने कहा कि स्वामी मैं तो अयोध्या गई नहीं, अयोध्या का क्या महात्म है? तो उन्होंने दो शब्द में, दो एक चौपाई में समझा दिया कि मंगल भवन मंगल हारी और द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अयोध्या क्या है
किसी ईंट गारे का नहीं बना हुआ है, ये मंगल भवन है। ये पूरा अयोध्या क्षेत्र जो है, जो दर्शन करेगा उसका मंगल होगा और अमंगल का नाश होगा, है मेरा। और अब तो दर्शन के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है, क्योंकि अब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 22 तारीख वो तारीख जब उनके प्राणों की प्रतिष्ठा की जाएगी, और कुछ ही दिनों का इंतजार है। जानेंगे लोगों में कितना उत्साह, कितनी खुशी है, क्योंकि 5 सालों का लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा है, लेकिन जाहिर है कि सब्र का फल मीठा होता है। और अब वो घड़ी ज्यादा दूर नहीं पंडित जी, क्योंकि इंतजार लोगों को करना पड़ा, काफी लंबा संघर्ष भी रहा, लेकिन आज वो दिन आ चला है जब प्रभु श्री राम के प्राणों की प्रतिष्ठा की जाएगी। कैसा अभिभूत हो रहा है? अगर इंतजार ना होता तो इतना लोग गदगद भी ना होते। इंतजार ही जीवन का मूल अंग है। जैसे हम लोगों ने इंतजार किया कि 14 वर्ष भगवान अगर चले गए तो आएंगे, वो भी इंतजार भरत ने किया, और उस इंतजार से घर घर दीपावली मनाई गई और सजी अयोध्या। वैसे हमारे योगी जी और मोदी जी ने इस नव अयोध्या, दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या को सजाए हैं। हम लोग आह्लादित हैं, उनको दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, और उनके ऊपर बनी भी है, नहीं तो ऐसे नेक कार्य वो न कर पाते, इसमें संदेह नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल, क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, और 22 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पधार रहे हैं, प्रभु श्री राम के प्राणों की प्रतिष्ठा करेंगे। कुछ यहाँ पर टूरिस्ट पर्यटक पहुँचे हुए, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग उत्तराखंड देहरादून से हैं। उत्तराखंड से आई है, कैसा महसूस हो रहा है अयोध्या नगरी? और वाकई बेहद अद्भुत, खूबसूरत, अलौकिक नजारा है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये दिन भी आएगा, लेकिन आज वो दिन। आप लोगों को यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग आज अयोध्या में आए, और इस जो उत्सव हो रहा है उसका हम लोग भी साक्षी बनने जा रहे हैं। हर तरफ प्रभु श्री राम के जय घोष है। आप कई जगह से होकर भी आए होंगे, उस वक्त कैसा लग रहा है, क्योंकि लोगों के मन में आज प्रभु श्री राम बस रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, सबके मन में आनंद है, हम लोग भी आनंदित हैं, और बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ देखने में लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग नगरी में आ गए, राम की नगरी में आए हुए हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। बिल्कुल, लोग धन्य महसूस कर रहे हैं, और लोगों को लग रहा है मानो त्रेता युग, कलयुग में आ पड़ा हो, और सभी स्वर्ग की अनुभूति कर पा रहे हैं। आप कहाँ से? मैं जौनपुर से हूँ, और मैं यहाँ से कहना चाहूंगा कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। मैं इस सरजू के तट से कहना चाहूंगा कि अब वह अयोध्या अयोध्या जी हो गई है, और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा कि सब लोग अयोध्या को अयोध्या जी कह के पुकारें, क्योंकि अब यह हमारी सनातन परंपरा के जो राम राज्य की संकल्पना थी, उस राम राज्य की संकल्पना की पूर्ण की तरफ हम लोग अग्रसर हो चुके हुए हैं। और यह जो हमारा भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत यह अयोध्या अयोध्या जी के नाम से जानी जाएगी। तो लोगों की ये भी मांग है कि अब अयोध्या को अयोध्या नहीं बल्कि अयोध्या जी कहिए, इसका मान और भी बढ़ाइए। ये घाट से तस्वीरें दिखाइए जरा, ये वही घाट है जहां पर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। जाहिर है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जीवनी ऐसी है कि सभी उसको अपने अंदर उतारें, और न सिर्फ भगवान श्री राम को अपनी जुबान पर बल्कि अपने दिल में और अपने जीवन शैली में भी रखें। नमस्कार। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है।